जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अभी जो आपने वीडियो देखा, वो वीडियो मैं अभी बता रही हूँ। मेरी चुटीला मेरे चुटीला लगाया भाई, मेरे बाल सारे झड़ रहे हैं। देखो, खुशी मेरे को छिड़ रही है, मेरे पूरे बाल झड़ रहे हैं लिमिट क्रॉस, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, इतने सारे एंटीडोज मैं ले रही हूँ, और एंटी पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने। इतनी दवाइयाँ मैंने खा ली है कि बाल जो है झड़ना बंद नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे अब चुटिया ही लगानी पड़ेगी। वैसे अच्छी लग रही है मुझे, मैं मेरे को चुटिया लगाने का शौक़ भी है, कोई बात नहीं। एक नया ये ट्रेंड भी, हम जो पहले करते थे वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये अच्छा है, चलो छोड़ते हैं हमारे बालों की बात, ये भी ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ना एक बच्ची आती है, तो कल जब व्यास जी आए थे, आपने वीडियो देखा होगा, तो वो हमें निमंत्रण देने के लिए आए थे, भागवत में आने के लिए। एक छोटी सी भागवत उन्होंने, मतलब जो बच्ची है उन्होंने रखवाई थी उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा कि आप, तो उन्होंने बताया कि उनका जो हृदय है अब करुआ बिहारी जी की तरफ बहुत अधिक जाता है, और उनका चिंतन से उनको जो भी ये भागवत प्राप्त हुई है, तो वो अब प्रभु का नाम जो है उस भागवत में लेते हैं, मतलब जयकारा जो लगाते हैं वो ठाकुर श्री बांके करुआ बिहारी जी के नाम से लगाते हैं। और उन्होंने कहा कि अब मेरे साथ में जहाँ भी भागवत करूँगा वहाँ पर मैं ठाकुर बांके करुआ बिहारी जी के जयकारे लगाया करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आएँ। जब उन्होंने ये बात कही, तो वैसे मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ किसी भी भागवत में या कहीं भी, क्योंकि घर पर सेवा अधिक है, तो प्रभु से हम क्षमा मांग लेते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, फिर तो एक बार तो मैं अपने लाला का नाम सुनने के लिए वहाँ जाऊँगी। और हम लोग इसलिए वहाँ पर गए, और ये वहीं का छोटा सा क्लिप आप सबके लिए है। ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना पाई क्योंकि वो ऑकवर्ड लगता है। बस वो जो बच्ची जो है पास ही में रहती है, इधर कोई ग्रामीण एरिया है इधर आगे, तो उन्होंने कहा कि दिया प्लीज़ आइए, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब लाला शयन करेगा तो हम लोग आएंगे, इसलिए हम लोग वहाँ पर गए। और उन्होंने थोड़े से 15 मिनट के समय में ही ये सब अरेंज कर लिया था, मतलब उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भागवत को रखवाया था, यही बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत सम्मान दिया, इतने आदर के साथ जो है हम लोगों को सम्मानित करवाया ठाकुर जी ने। मुझे तो वही बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा भी लग रहा था। और सच कहूँ तो ये सब मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी चाह ये सब नहीं है, मुझे इस तरह का कोई सम्मान नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारे ठाकुर जी का नाम ऐसा हो, ऐसा हो कि बस वो सुनने में मुझे मिले, बस वही सुनने के लिए मैं वहाँ पर गई थी, और ये भी मेरे ठाकुर जी की वजह से। तो आगे की क्लिप आप देख। हमारे लिए जो है सबसे बड़ा और सर्वोपरि है हमारे प्रभु का नाम, और जब हमारे प्रभु का नाम, अब देखो चाहे वो बांके बिहारी जी का नाम हो या किसी भी ईश्वर के नाम से हो, हमें आनंद आता है। लेकिन जब से ये करुआ बिहारी जी का नाम हृदय में बैठा है ना, तो इसका नाम सुन के तो और आनंद आता है। तो एक बहुत ज़्यादा, मतलब प्रभु की वो लीलाएं हम, मतलब सुनते हैं, देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको जीते हैं, इसलिए आनंद अधिक आता है। और वही आनंद जो है मतलब हमको प्राप्त करवाया है प्रभु ने, जब अनंत लोग जो है, काफ़ी सारे लोग जो हैं उसको, जयकारे को बोल रहे हैं, जब वहाँ पर ये बताया कि ये करुआ की मैया है, ये करुआ की सखी है, कितना आनंद है, बहुत आनंद। लेकिन जल्दी से हम 5-10 मिनट में ही वहाँ से वापस आए, और ये सब हमारे प्रभु की कृपा है। सो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। हाँ, बाकी वीडियोस वहाँ बनाना ठीक नहीं था, है ना।
कलर हैप्पी होली भैया। मम्मी तो हमेशा कमी लगाती है।